आप अभी मेरे साथ YouTube पर मौजूद हैं। मेरे चैनल का नाम फिश फार्मिंग एंड सीड्स है। हम आप लोगों को मछली पालन के संबंध में थोड़ी बहुत जो भी जानकारियां हैं शेयर करने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का जो भी जानकारी हम शेयर करते हैं अच्छा भी लगता है। हमारे ऊपर लाखों लोगों का भरोसा है, क्योंकि हम आपके लिए जो भी बताते हैं अपने अनुभव से जो हमको अच्छा लगता है, जो हमारे मछली पालन में अनुभव प्राप्त हुआ है, आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं। और न सिर्फ इतना ही करते हैं, हम आपको आगाह भी करते हैं, आपको ठगी से भी बचाने का काम करते हैं, उसके लिए भी हम कुछ टिप्स देते रहते हैं। अब आज ही का एक वाक्या है, आज ही एक राजस्थान के भाई साहब से बात हुआ कि उन्होंने बताया कि 50,000 बच्चे हम पंगास के अपने तालाब में डाले हैं। मैंने पूछा आप दाना कौन कंपनी का खिला रहे हैं, वे व्हाट्सएप पर डाले अपने दाना का बोरी डाले। हमने पूछा उनसे कि कितना बड़ा तालाब है जिस तालाब में आपने 50,000 बच्चे डाले हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक 100x100 का तालाब है, दूसरा भी 100x100 का तालाब है, दोनों में हमने 25-25 हज़ार बच्चे डाल दिए। मैंने उसके उपरांत पूछा कि बच्चे का लागत कितना लगा। उन्होंने बताया 6 रुपया प्रति पीस पंगास के बच्चे मिले हैं। हो सकता है कितने लाइन वाले बच्चे हैं वे हम नहीं पूछ पाए उनसे। हम तो आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने 100x100 के दो तालाब में 50,000 बच्चे डाले। मैंने उनसे पूछा कि आप जिससे बच्चा खरीदे हैं उनको आप अपने तालाब का एरिया के बारे में जानकारी दिए थे कि नहीं दिए थे। वे भाई साहब हमसे शेयर किए कि हम जानकारी दिए थे, वे जिनसे हम बच्चा खरीदे हैं वे हमारे पास तालाब विजिट करके गए और हमको एडवाइस किए कि आप 25,000 इसमें डाल दीजिए और 25,000 दूसरे 100x100 वाले तालाब में डाल दीजिए। तो इस तरह का भी अगर आपको अनुभव नहीं है कि कितने एकड़ में, कितने एरिया में, कितने स्क्वायर फीट वाली तालाब में कितना बच्चा डालना है, तो जब आप लोकल से बच्चा खरीदते हैं वे आपको काफ़ी मिसगाइड करता है। एक बार वे पैसा लेकर के चला जाता है, फिर आपको दर्शन नहीं देता है। अब बताइए 3 लाख के बच्चे, उन्होंने 20,000 स्क्वायर फीट यानी 10,000 स्क्वायर फीट और 10,000 स्क्वायर फीट में डलवा दिया। अब उनको यह भी पता नहीं है कि पंगास मछली पालने पर एक मछली को 1 केजी करिएगा तो दाना का लगभग 65 से 70 रुपया खर्च आ जाता है। 70 रुपये का दाना एक मछली खा जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि उन भाई साहब पर क्या गुजर रहा होगा जब हम उनको सच्चाई से अवगत कराया। चलिए ये तो एक वाकया हो गया। तो आपको सचेत रहना है, आपको पहले पता करना है कि कितने एरिए में कितना बच्चा आपको डालना है। पंगास की हम बात करें, हम जानकारी आपको शेयर कर देते हैं। अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें जो वैज्ञानिक तरीका है मछली पालन का, सीड स्टॉक करने का, 1 एकड़ यानी 44,000 स्क्वायर फीट में मात्र आपको 14 से 15 हज़ार बच्चे डालने हैं। नए जनरेशन में लोग ज़्यादा बच्चे डाल देते हैं तो 20,000 तक डालते हैं। 44,000 स्क्वायर फीट में 20,000 तक बच्चा आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर दाने का FCR आपको जो कंपनियां बताती है उतना नहीं आ पाएगा। और उन भाई साहब को देखिए, बच्चा बेचने वाला 20,000 स्क्वायर फीट में 50,000 बच्चा डलवा लिया। हम उनको एडवाइस किए कि भाई साहब जैसे भी हो 2 रुपये प्रति पीस, 3 रुपये प्रति पीस या फिर 1 रुपये प्रति पीस ही आपके आसपास में अगर कोई बच्चा खरीदने वाला है तो वहाँ आप उनसे बेच दीजिए, नहीं तो खुद का आप दूसरा तालाब लीजिए और फिर बच्चे को ट्रांसफ़र करिए, नहीं तो जो भी बच्चा खरीदने में आपको पैसा लगा है वह भी बर्बाद हो जाएगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप भी कहीं ठगी के शिकार नहीं हो जाए। ऐसे बच्चे का काम मेरा भी है। मेरा नाम बबलू सिंह है, बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं। हमारा मछली के बच्चे का काम कोलकाता नैहाटी में होता है, बच्चा हम भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आज ही हमारा अनुज जी गाजीपुर के रहने वाले हैं, इनके लिए 20,000 सिंगी मछली का बच्चा हमने लोड करवाया है। अनुज जी आपको कल सुबह सुबह मऊ रेलवे जंक्शन से आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। तौकीर जी है, इनके लिए भी 15-20 हज़ार IMC के बच्चे, कुछ बच्चे टेंगरा नोना टेंगरा का और कुछ सिंगी मछली का बच्चा मंगवाया था इन्होंने। तौकीर जी आप भी कल सुबह सुबह हम फोन पर भी आपको जानकारी दे देंगे, बिल्टी आपको भेज देंगे। ऐसे अगर आपने वीडियो देख रहा है तो आप सुबह सुबह चले जाइएगा, वहाँ से अपना बच्चा कलेक्ट करिएगा। और हमारा मेडिसिन का भी काम है, जो लोग पंगास मछली का पालन करते हैं वे वीडियो देख रहे हैं तो हमारा जेके फिश फीड का भी काम होता है। अच्छा खासा ग्रोथ होता है मछलियों का जेके फिश फीड खिलाने से। मेडिसिन में हाइपर ग्रोथ का काम है, जो लोग IMC का पालन करते हैं उनके लिए हम ईस्ट पाउडर भेजवाते हैं, मिनरल मिक्सचर भेजवाते हैं, एक प्लैंकटन पाउडर आता है, जू प्लैंकटन पाउडर आता है। और वीडियो प्रत्येक वीडियो में हम चाहते हैं कुछ नया टिप्स आपको दिया जाए, कहीं ना कहीं आगाह किया जाए
कि आप किस तरह से मछली पालन करेंगे कि आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पहले तो जिससे आप बच्चा खरीदते हैं उससे 100% आप सेटिस्फाइड हो जाएं, तब आप बच्चे खरीदें। और आप YouTube पर मेरा ही वीडियो देखते हैं, प्रत्येक वीडियो में लगभग हम बताते हैं डेंसिटी आपको क्या रखना है। पंगास मछली डालते हैं एक एकड़ में, आप 14 से 15 हज़ार ही डालें। अगर IMC वाले बड़े साइज का बच्चा डालते हैं, एक एकड़ में 5 हज़ार डालना है। अगर आप स्टंटेड सीड आपको मिल जाता है यानी 100 ग्राम साइज वाले बच्चे, तो एक एकड़ यानी 44,000 स्क्वायर फीट में मात्र 4,000 बच्चे डालने हैं। हाँ, छोटे बच्चे अगर फ्राई साइज वाले आप डालते हैं एक एकड़ यानी 44,000 स्क्वायर फीट में, तो आप 7,000 से 8,000 डाल सकते हैं। क्योंकि जब छोटे बच्चे आप तालाब में डालते हैं, उस पोजीशन में आपके तालाब में पल रही मेढक, आपके तालाब में पल रही सांपें, आपके तालाब के ऊपर से आक्रमण करने के लिए तैयार कुछ पक्षियाँ आपके मछली के बच्चे को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए जब भी आप तालाब में छोटा बच्चा डालें तो थोड़ा सा मात्रा बढ़ा करके डालें। परंतु जब आप स्टंटेड सी डालते हैं या 100 लाइन वाले बच्चे डालते हैं पंगास का या फिर IMC का ही, तो IMC का 5,000 डालेंगे 100 लाइन के बच्चे, पंगास का आप 14,000 तक डाल सकते हैं, 15,000 तक डाल सकते हैं। दाना पर कम लागत आएगा, कुछ मेडिसिन डलवाइएगा इससे भी दाना पर कम लागत आने वाला है आपको। अगर आप मेडिसिन पर 2 रुपये खर्च करने वाले हैं तो आपका 10 रुपये दाना पर कम खर्च होगा। दिए हुए नंबर पे IMC के स्पॉन, धानी, फ्राई साइज 1 इंची वाले और बड़े बच्चे भी चाहिए होगा तो आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। पंगास का 2000 लाइन का, 1000 लाइन का, 500 लाइन का, 100 लाइन का बच्चा मंगवाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपके यहाँ तक भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एकदम से ध्यान रखिए, ये राजस्थान वाले भाई साहब की तरह आप भी ठगी का शिकार नहीं होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।